लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दलित वोट बैंक को साधना शुरू कर दिया है और इसके लिए पार्टी ने एससी मोर्चे के पदाधिकारियों को दलित बस्तियों में भाजपा के प्रचार और रीति नीति की जानकारी देने की जिम्मेदारी दी है। इसके बाद पार्टी के आला नेता बैठक और सम्मेलनों के जरिए इस काम में जुटे हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी को डर है कि दलित आरक्षण को लेकर विपक्ष की ओर से फैलाए गए दुष्प्रचार का नुकसान बीजेपी को इस चुनाव में हो सकता है और यही कारण है कि मोदी सरकार के मंत्री और पार्टी के आला नेता लगातार बैठकों में इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुई अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इसका जिक्र किया। जावड़ेकर के अनुसार देश में विपक्ष ये दुष्प्रचार कर रहा है कि मोदी सरकार आई तो दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, जबकि ये सरासर गलत है। और इस बैठक में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी महिंद्रा, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रदेश मंत्री मुकेश धाजी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बहुत लगन मेहनत उससे लगातार काम किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के हमने अमर रहे के अभी नारे दिए। अंबेडकर जी का भी जीवन क्या है, दलित शोषित पीड़ित वंचित वर्गों के अधिकार के लिए एक महाप्रज्ञावान जो आंदोलन उन्होंने किया और जिस तरह से विद्या अर्जित की, पढ़ाई लिखाई की और भारत को संविधान देने का एक ऐतिहासिक काम किया, इसलिए बाबा साहब का स्मरण हमेशा ही होता रहे। लोकसभा चुनाव के अंदर हमें आदेश दिया गया है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता हर वार्ड के अंदर 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करेगा और पार्टी की नीति के बारे में बताएंगे, प्रधानमंत्री की जो योजना है उनके बारे में बताएंगे और निश्चित हमारा एससी का कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ रहेगा और मोदी जी की योजना के बारे में घर घर जाकर उनसे चर्चा करेगा। एससी वालों के लिए जो उज्ज्वला योजना वगैरह जो भी है उनके बारे में